हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, दिफाई तजिया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, आपके पास मैं क्विकली आऊँगी यही सवाल के साथ कि इससे कम्बैट करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस नासूर पर काबू पाने के लिए हमें किन जगहों पर काम करने की ज़रूरत है, और आपको लग रहा है कि संजीदा एफर्ट्स हो रही हैं दहशत गर्दी जैसे चैलेंज से निपटने के लिए अभी हुकूमत की जानिब से? जिस तरीके से अभी हालात हो रहे हैं और जिस तरीके से कर्ज हो गया बढ़ गई दहशतगर्दी, और फौज तो चीफ आंसर राष्ट्रपति ने बड़ी क्लियर बात की कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त लड़ाई करेंगे, मारते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीछे से ये अगर आते रहेंगे तो ये अनएंडिंग सिलसिला। इसके लिए इसलिए भी जो आपके सामने प्लान या एफेक्टी में बात हुई है कि अब फौज बलोचिस्तान में जाके प्रॉपर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेगी और इन दहशतगर्दों को कट्टो करतार से पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी आपके सामने केपीके में जो हालात हुए हैं, आपके सामने अभी पारा चलाक में जो कुरम में हुए एजेंसी में भी जो आपके 45 लोग शहीद हुए हैं और काफी जख्मी हुए हैं, मुझे बताइए क्या रिस्पॉन्स है केपी गवर्नमेंट के, उनके क्या चीफ मिनिस्टर वहां पर गए हैं, क्या उन्होंने कोई इसके खिलाफ कितनी स्टेटमेंट दी है? यहाँ पर जब हम जैसे मिस्टर काम की बात हुई तो कहा केपीके में पीटीआई ने कहा हम सपोर्ट नहीं करते, JUIF ने कहा हम सपोर्ट नहीं करते, ANP ने कहा हम सपोर्ट नहीं करते, जहाँ हमारे पश्तून भाई बहन शहीद हो रहे हैं अगर वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल? ये बात सोचने की है कि अब इस वक्त वक्त आ गया है आई थॉट कि ये जो स्पेशली गवर्नमेंट कहेगी कि हम इसका शोक बना रहे हैं, बहुत बड़ा जानी नुकसान है और इसके लिए CM वहाँ खुद जाते हैं और इसको 24 नवंबर को ये जो मास्क कर रहे हैं इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए ताकि टोल सॉलिडेरिटी विद द फैमिलीज ऑफ दोज जो के लिए शहीद हुए। इसके बाद और सेकेंड ये कि फिर अब आपको पूरी कौम को अजमे इस्तेमाल के लिए पूरी नेशनल एलिमेंट ऑफ पावर के साथ खाने की जरूरत है। इलीगल स्पेक्ट्रम की जो बात करते हैं कि इसमें दहशतगर्दी में के लिए जो फंडिंग यहाँ से आ रही है, जो हुंडी का पैसा आ रहा है, जो एंटी नार्कोटिक्स का पैसा आ रहा है, नार्कोटिक्स का पैसा आ रहा है, स्मगलिंग का पैसा आ रहा है, उसके बाद आपके एक्साइज चोरियां हो रही हैं, अशरफियां जो कर रही है, ये सबको मिलकर को भी कौम को इकट्ठा होने की जरूरत है। मुझे कहें कि आज से हम पूरी कौम खड़ी है मुसल्लह फौज के साथ, हम KPK में और बलोचिस्तान में बिल्कुल मदद करेंगे, हकूमत को चाहिए रिसोर्सेज दें और इसका तलाकमा करें। आप मुझे बताइए नेशनल का प्लान 2014 में जो एक के बच्चों के बाद आज तक उसके अमल क्यों नहीं हुआ? 32,000 मदरसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16 रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फंडिंग कहाँ से आती है, उनके एजेंडा क्या है? और साथ हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा क्लियर अफगान गवर्नमेंट को कहना चाहिए अब हम आपके तमाम अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस कर रहे हैं, आप इनकी मेहमानदारी करें, हमने बहुत कर दिया, जो 1.4 मिलियन यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज के हैं जो रिसेट है उनको हम रखेंगे, बाकी और जो 2 वैक्स के ये आपको पाकिस्तान भी सपोर्ट करेंगे। और सेकंड देखिए खाली ये नहीं चलेगा, 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। नंबर वन आप अफगान तालिबान से बात करें, अपना स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन भेजें। नंबर टू अमेरिका से बात करें, जो वो सारा गन मन छोड़ के गए वेपन एमुनिशन वो अब लग रहा है वो बात करें, इंडिया का बताएं, इंडिया कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, जो आपके यूनियन को बताएं एंड टेक सम पॉजिटिव स्टेप। खाली ये फौज ऑपरेशन करते रहे, फौजियों को मरवाते रहे, फौजी दहशतगर्द मारते रहे, पीछे के और ये मामला रियासत को देखने की जरूरत है। चलें आपका पॉइंट आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।